आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के इस पवित्र अवसर पर सम्मानित देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिस संविधान के रहते चलते इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को और देश के अल्पसंख्यकों को और देश के तमाम सम्मानित नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और संविधान की जो मंशा है और जो वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, जब हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ है तो उस संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि जो भी सरकारें होंगी, चाहे राज्य की सरकारें होंगी चाहे केंद्र की, वो वेलफेयर का काम करेंगे, कल्याणकारी काम करेंगी। और ये सरकार तो व्यापार कर रही है, ये सरकार तो लोगों को जात के नाम पर प्रताड़ित कर रही, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कर रही है। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम आज के इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, उनकी आत्मा को अश्योर करते हैं, हम समाजवादियों के रहते किसी भी दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो मंशा है, उसको खत्म नहीं होने देंगे। हर तरह का संघर्ष करेंगे और हर कदम उठाने को तैयार है। और ये बात इस देश के असंख्य दलितों को, असंख्य अल्पसंख्यक लोगों को, पिछड़े लोगों को और देश के कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों, चाहे जिस जात के, वो उसको यकीन विश्वास दिलाते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो प्रेमबिल है, उस प्रेमबिल को भारतीय जनता पार्टी जो है खत्म करना चाहती है, उसको किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। संभल में जो घटना हुई है उसमें कई लोगों की जान भी गई और पुलिस ने वहीं के सांसद के खिलाफ जो है केस दर्ज किया, हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो इस पर क्या कहेंगे कि देखिए संभल, ये संभल की घटना बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है और सरकार के जिम्मेदारी थी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और यह घटना सरकार के जिम्मेदाराना कर्तव्य का पालन न करने से घटना हुई है और यह दुखद है। और हम मांग करते हैं कि जो मृतक है, मृतक परिवार को सरकार की तरफ से सहायता की जाए और जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासन के अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने सांसद के खिलाफ ही मामला दर्ज किया है। हाँ, यूं किया है, सांसद तो हमारे थे ही नहीं, केवल सांसद के ऊपर ही नहीं, विधायक का जो चुनाव लड़े थे, ये लड़े थे उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ, कईयों के खिलाफ किया है। ये केवल इसलिए है कि जो नंगा नाच हुआ और इसमें पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है, उत्पीड़न किया है, नरसंहार किया है, इस मामले को सदन चल रहा है, पार्लियामेंट का सदन आहूत है कल से, उसमें इस बात को सांसद उठा न पावे और असलियत को खोल न पावे, इसलिए उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर FIR की है। FIR बिल्कुल गलत है और यहां तक तो सांसद थे भी नहीं, बाहर थे, तो उनको आवाज को दबाने के लिए कि जनता की दुख को, तकलीफ को, और पुलिस ने जो प्रशासन ने नंगा नाच किया है, ये बात आने न पावे देश के सामने उसके द्वारा, इसलिए उसके ऊपर FIR की। समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी, लड़ेगी और न्याय दिलाएगी सांसद को और वहां की जनता को। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.